लाल का चकना और दो टमाटो और तीन प्याज चॉप करके तो ये देखिए तो यहाँ पे है और इतना मिर्च पाउडर, मिर्च पाउडर है मेरा खाली वाले धो के दूसरा डालना, कल कल लेके आए ना नहीं के लाए कल मैं तेल बाने का है गर्म करके मिक्स करके रख लेते हैं मिर्च पाउडर, इसीलिए मैं ठंडी रख ली है यहाँ पे। वहाँ तक आप जो जो लोग भी देख रहे हैं ना कमेंट करके बताओ आपके शरीर में भी ठंडी सर दर्द खांसी हो रहा है क्या, यहाँ पे तो सब जो हो गया है बहुत जोर। देखिए अभी तो मैंने ये जो मसाला पीस के रखा था ना ये बदला थोड़ा सा, इससे क्या होगा अच्छा बनेगा टेस्टी बनेगा थोड़ा सा ना, एक मिनट भी नहीं ज्यादा, नमक भी है थोड़ा सा, अभी देखेंगे। पानी डाला मैंने, जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाला मैंने ना, ये गल अभी पका नहीं ना अच्छे से, ये देखिए अभी पका नहीं अच्छे से, पकने के बाद जब बनेगा तो ठीक होगा आपको बताऊंगा फाइनल। ओके फ्रेंड्स, हमें सपोर्ट कीजिए आपसे, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स। अच्छा तो चलिए मैं सभी जो सब्जी बनने के बाद मैं आपको फिर से दिखाऊंगी कि सब्जी मेरी कैसी बनी है और उसके साथ में चपाती बनाऊंगी। तो ये है मेरा दोपहर का रोटी और अभी जो कपड़े भिगाए हुए हैं वो धोना है, वो चाहे दिखाऊंगी या ना दिखाऊंगी वो मुझे पता नहीं है, जो भी है मैं इतना बताइए आपको
इतना शेयर करी, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को खूब सारा ढेर सारा प्यार दीजिए और मुझे देखने की थोड़ी सी तकलीफ कीजिए। शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखना। रोटी को देखिए, मैं रोटी ऐसे फुलाती हूँ, गैस पे रख के नहीं फुलाती, गैस पे रख के फुलाना भी नहीं चाहिए। अच्छे से फूल जाती है सब कुछ। अच्छे से फूल जाती है, आप चाहे तो जी लगाओ, मैं ऐसे ही दे देती हूँ। उसके अभी तो चलिए खाना सर्व करके दिखाऊंगी अभी मैं सब्जी और रोटी। ये देख लीजिए मेरा फाइनल लुक सब्जी का। तो इसमें ये देख लीजिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई ना, रोटी के साथ अच्छी लगेगी आपको। तो चलिए आप भी आइए खाने के लिए।